नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद।